हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो दिस इज सुमित जैन। आज हम दिल्ली से शिमला जा रहे हैं और अभी मैं एक रिसॉर्ट है यहाँ पे, ये एथनिक इंडिया करके रिसॉर्ट, उस रिसॉर्ट में रुका हुआ हूँ। बस जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स रिफ्रेशमेंट के लिए। मैंने रिफ्रेशमेंट में सिर्फ एक ये जूस लिया है। बाकी का इस वीडियो में बने रहे, सारी जानकारियाँ मैं धीरे धीरे देता रहूँगा। बाकी फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार रिसॉर्ट भी दिखा देता हूँ कैसा है। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई लोग वैसे रुकने आते होंगे अपने पर्सनल व्हीकल लेके, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने अभी बाहर भी दिखाया आपको, यहाँ पे मोस्टली जो ये गवर्नमेंट बस है इन लोगों का तो अपना सेट रहता है, वही यहाँ पे आते हैं। और अंधेरा इतना ज़्यादा है, बट आप ये देखो कितनी सारी बसें खड़ी है और ये सारी की सारी गवर्नमेंट बस है, हिमसुता, हिमगुरब। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से मिलेगी और कुल इसका कितना किराया है। ये हम ISBT आ चुके हैं, कश्मीरी गेट। यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 21-22 पे जाना है, जहाँ पे हिमाचल की बसें आपको मिल जाएगी। तो ये अभी प्लेटफॉर्म नंबर 17-18-19 दिख रहा है आपको। ये जो रोडवेज है इसके पीछे ये खड़ी है, दिखाता हूँ। यहाँ से भी आपको टिकट मिल जाएगी काउंटर से। और ये देखो यही बस है, और इसको लेने के लिए मैंने तो पेटीएम से लिया। पेटीएम पे देखो ऐसे बुक करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, फिल्टर लगा लो, रुक जाओ एक सेकंड। ये एसी मैंने सिलेक्ट कर लिया और देखो अब यहाँ पे मुश्किल से 600-650-700 में आपको सारी एसी वाली बसें मिल जाएंगी। जो 700-800 में आ जाएगा हिम गौरव है, वो आपको वॉल्वो बस मिल जाएगी। और इससे नीचे आ जाओगे 800-900 में, ऐसे भी यहाँ पे एक बार आप इससे पहले बस देख लो, बस कैसी है दिखने में, गवर्नमेंट है बट ठीक है, मज़ा आपको पूरा देगी वॉल्वो वाली। और ये मैं पहुंच चुका हूं शिमला ISBT, और यहां से अब हम जा रहे हैं ये हिलेंदर बाइक रेंटल से बाइक रेंट करने। इसके पीछे की भी स्टोरी मैं आपको बताता हूं, उससे पहले दिखा देता हूं। ये देखो एक स्कूटी मैंने रेंट की, डेस्टिनी 125cc, जिसका फेयर ओनली 650 रुपीज पर डे है। पेट्रोल हमें खुद से डलवाना पड़ेगा। और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो 2000 इसने हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है। और हाँ, DL ले जाना बिल्कुल ना भूले। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले जाते हो तो आपको कोई भी रेंट नहीं करने देगा, स्कूटी या कार कुछ भी आप रेंट करना चाहते हैं, ये मैंडेटरी है। और इसकी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने अब आप लोग सोचोगे स्कूटी रेंट किया ये तो महंगा पड़ेगा, लेकिन ये मुझे सस्ता पड़ा। मान लो मेरा प्लान है, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ मैं कुफरी, चलो पहले यहाँ से निकलते हैं, बाकी बातें अब हम रास्ते में करते हैं। तो मान लो यहाँ से मैं कुफरी के लिए निकल चुका हूँ, ये कुछ देखो यहाँ का नज़ारे, वादियाँ कितनी प्यारी लग रही है। और अभी सुबह के बजने ओनली 6, और मैं आपसे बता रहा हूँ कि मान लो यहाँ से हमें कुफरी जाना है तो 14-15 किलोमीटर है। कैब वाला आपको इससे 1000 से 1500 तो ले ही लेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 650 इसे रेंट करके फिर आराम से पूरा दिन अपने हिसाब से इंजॉय करें, घूमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बाकी कुछ तो होता नहीं है। तो चलो मैं पहुँच गया हूँ यहाँ से कुफरी। ये कुफरी के शाम का सीन है, ये इसकी मार्केट है, बहुत ही छोटी सी मार्केट है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन से होटल में स्टे किया हूँ, होटल चेक इन एंड सब कुछ दिखाऊंगा। यहाँ पे होटल्स तो बहुत महंगा है, 4000-5000 से कम तो कोई बोल ही नहीं रहा था। लेकिन जो रूम मैंने लिया है ये अप्रॉक्स मुझे पड़ गया है 2500 में मेरे को मिल चुका है। यही है ये हमारा होटल कुफरी हॉलीडे इन है। ये इसके रूम कुछ इस तरह के हैं। यहाँ से मैं चेक इन कर चुका हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे बार्गेन ही बहुत होता है, तो आराम से आप जितना कर सकते हो बार्गेन करो। ये देखो यहाँ से मैं आ गया, और रूम में स्पेस ठीक था एक दो जनों के लिए, तो बहुत बढ़िया वुडन फ्लोरिंग है। ऊपर भी यहाँ पे AC की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये एक TV दे दिया है, यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाएगा। ये बालकनी व्यू है, बट बालकनी में आप जा नहीं सकते बिकॉज बंदर आ जाते, इसलिए पैक रहता है। ये यहाँ पे एक और रजाई ब्लैंकेट, ऊपर आपको पिलो मिल चुका है एक्स्ट्रा। और बेडिंग की बात करते हैं, बेडिंग भी ठीक है, अच्छा है। अब डबल मैट्रिक्स तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक है, बढ़िया है। तो अब हम यहाँ से आपको लेके चलते हैं बाथरूम दिखाने। तो बाथरूम देख लो, बाथरूम में भी स्पेस पूरा है और यहाँ पे गीजर है। तो ओवरऑल मुझे तो अच्छा लगा, आपको कैसा लगा हो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। एंड वीडियो बनाया है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।